नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी, जो आज एग्ज़ाम हुआ है 12 अगस्त 2018 को, इसके जीके के क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए दोस्तों, अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 51,000 रुपये। 102 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास भीलवाड़ा जिले में किया गया। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएस प्रे के एग्जाम में पूछा गया था, सेम होबो डिटो क्वेश्चन था ये। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1999-2000। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है वो 1999-2000। 3-4 क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान आरएस प्री परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे, जो आज एलडीसी के एग्ज़ाम में भी आए हैं। साथ साथ में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 105वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो दोस्तों, इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। 107वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसका भी राइट ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। प्रथम स्किल विश्वविद्यालय राजस्थान। 108वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया था और स्किल यूनिवर्सिटी वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। 109वां क्वेश्चन है, बेरोसिया शिकावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को रुपए डेस्क का ऋण प्रदान करेगी? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, 50,000। 50,000 रुपये का ऋण है वो 4% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। 110वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश गालव। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया था। 112वां क्वेश्चन है, पिंक बोलवर्म हाल ही में खबरों में था, यह निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? दोस्तों, यह कीट का नाम है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। कॉटन के लिए यह कीट हानिकारक है। अगला प्रश्न है, 113, दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 को निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, BS6। 114वां क्वेश्चन है, भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किस से है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, सूर्य।
आदित्य L1 का संबंध है वो सूर्य से है। 115वां क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, टाटा। जैव मीथेन आधारित बस टाटा कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है। 116वें क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का वो गठन वो हुआ था जयपुर में। 117वां क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, हनुमंत सिंह। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, बाटी। 119वां क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक है कौन था? तो दोस्तों अजमेर शहर का संस्थापक था अजय राज। 120वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि मराठी भाषा का प्रभाव अगर राजस्थान की जो बोली है वो है हाड़ौती, और हाड़ौती बोली ऑप्शन में नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों ये नृत्य यहाँ इधर और इधर जनजातियाँ, नेजा जो नृत्य वो करते हैं दोस्तों बील, इंडोनी नृत्य करते हैं कालबेलिया, तेरा ताली नृत्य हैं जो बाबा रामदेव जी के भक्त कांबड़ जाति की महिलाएं तेरा ताली नृत्य करती हैं, और वालर नृत्य तो आपको मालूम है ग्रासिया। तो दोस्तों आप देख लो इसका कौन सा रेट होगा, ए का एक, बी का दो और सी का चार, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है सलीमाबाद, सलीमाबाद अजमेर में। 123वां क्वेश्चन है, जेला जमेला पीपल पत्रा अगोटिया किस अंक के आभूषण है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, कान। दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और इसे लाइक भी करना। 124वां क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। 125वां क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। 126वां क्वेश्चन है, कथा किस व्रत से निकाला जाता है? कथा है वो निकाला जाता है खेर वृक्ष से, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 27वां, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, भील। प्रथम स्थान पर है मीणा और सेकंड पोजीशन पर है भील, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। 128वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, दूध। 129वां क्वेश्चन है, शिष्य जस्ते का ऐसक कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, हेमाटाइट। हेमाटाइट है वो लोहे का ऐसक होता है, तो यह शिष्य जस्ते का ऐसक नहीं है। 130वां क्वेश्चन है, भारत के सांख्यिकीय एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं? 33% भाग से पर वन पाए जाते हैं, वो कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 राज्य।
15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर 33% से भी अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। चलिए 131 क्वेश्चन, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी 2012 को, और राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान है और अंतिम जो राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंद्रा हिल्स है उसको 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 132वां क्वेश्चन है, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन उदयपुर, आंसर उदयपुर होगा, लेकिन थोड़ा डाउट है, देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। 134वां क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी सागवान। 135वां क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रस्तवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी तारा बालू का स्तूप। द्रस्तवती नदी दोस्तों गगर कोई कहते हैं, और सूरतगढ़ और मोहनगढ़ में ये तारा बालू का स्तूप है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। 137वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए कोटा। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा जिले में स्थित है। 138वां क्वेश्चन है, राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी जोस्पर सीसा और जस्ता तथा वोलस्टोनाइट। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आर इसमें पूछा गया था। 139वां क्वेश्चन है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी 25 लाख से 5 करोड़। अगला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो दोस्तों चंबल के साथ भी की है, भाखड़ा नागल परियोजना के साथ भी की है, और ब्यास परियोजना के साथ। तो दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी दिए गए सभी विकल्प। 141वां क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 75:25 यानी 3:1 केंद्र व राज्य का वित्तीय अंश का अनुपात है। 42वां क्वेश्चन है, जयपुर का परंपरागत शिल्प है? तो दोस्तों इसका ब्लू पोल्ट्री राइट होगा। 143वां क्वेश्चन है, 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना है? दोस्तों इस क्वेश्चन में भी डाउट है, देख लेना। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका 1971। 145वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों भामाशाह योजना लागू की गई थी 2014 में, और इन ऑप्शनों में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो देख लेना दोस्तों, डाउट है इस क्वेश्चन में भी। 146वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। 147वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों
इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। दोस्तों मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है, यह सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शुरू की गई थी, लेकिन ये कागजी पर्चों में ही रहेगी और राजस्थान में ओनली फॉर दो ही ऐसे आदर्श ग्राम स्थापित हो सके हैं अभी तक। 148वां क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें भी सस्पेंस है, देख लेना। 150वां और अंतिम क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, 1973-74 को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है वो 1973-74 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।